एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी होने लगी है मल्टीफंक्शनल क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है जी, ये टूल पीछे करके बहुत ज्यादा वायरल रहा है और मैंने भी इसे 1 मंथ हो गया मंगवाया हुआ है, लेकिन कुछ आया भी लेट है। आपको पता, दराज से पार्सल्स लेट आते हैं थोड़े से, तो कुछ थोड़े से आने में भी देरी हुई। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे टिप्स, इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटी टिप्स और प्रोडक्ट फीचर्स लिखे हुए हैं। मेन पे इसका कुछ भी नहीं है और मेड इन चाइना है। ठीक है जी, इसको निकालते हैं, जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी आप लोगों के सामने इसको यूज़ करूँगी। इस टाइम मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और यहाँ पर मेरे फुल वाइट हेड्स भरे हुए हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए अपना फेस आप लोगों को सबसे पहले क्लीन करना है। ठीक है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कुछ ऐसे हो जाती है जी। ये चीजें इसके साथ हैं। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 इसके साथ टूल्स हैं, मतलब 5 इसके साथ इसकी नोजल्स मिली हैं। अगर आप लोग को डिफरेंट नोजल चेंज करके आप लोगों ने लगानी है, आप वो करके लगा सकते हो। साथ इसके ये हैं, कॉटन है जी। ये देखें, यहां से ये चार्ज होगा, चार्ज वाला है ये, यहां से इसमें चार्ज होना है और ये ऑन ऑफ के बटन है। यहां से रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे इजिली अटैच भी कर सकते हैं। अभी आप लोग ये देखें कि ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन है। अभी हम इसे यूज करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये 10% काम करता है या 0% काम करता है या 100% काम करता है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस अपने इस एरिया पे होगा और यहाँ नोज होता है। ठीक है, और तो ज्यादा व्हाइट हेड्स होते नहीं है। आपने इसे एक ही जगह पर नहीं रखना, आपने इसको मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर ना एक ब्लैक हेड फंसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना एक ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड्स तो निकाल रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ब्लैक हेड है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो निकले, लेकिन ब्लैक हेड नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा, यहाँ पर मेरे 2-3 ब्लैक हेड्स हैं और यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि ब्लैक हेड्स निकले तो फिर मजा आए। तो अब मैं इसको आप लोगों के सामने दोबारा से चला के देखती हूँ। पहले आप लोगों ने देखा था ये बिल्कुल क्लीन था, इसके अंदर कोई भी गम या डस्ट नहीं थी। अब आप इसका रिजल्ट देखिए, ये देखें इसके अंदर कितना सारा, ये सारा व्हाइट हेड बाहर आया। ठीक है, ये यहां पर ना, ये यहाँ पर अच्छा खासा शो हो रहा है, पता नहीं कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर फ्रंट पर ना सारा वो इकट्ठा हो गया, तो इसने वाइट हेड्स नो डाउट कितने अच्छे से निकाले हैं। अब यहाँ से तो हमने क्लीन किया अपना एरिया, थोड़ी सी रेडनेस हो गई है, लेकिन इस तरह के टूल्स यूज करने से ऑफकोर्स रेडनेस हो जाती है। तो इसको अब आपने छेड़ना नहीं है, आपने इसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लेना तो ये काम डाउन हो जाएगा। अब मैं नोज एरिया से एक बार करना चाहती हूँ। ये है जिसका फाइनल रिजल्ट, आप लोग देख लें कि कितने सारे व्हाइट हेड्स इसने निकाल बाहर किए हैं। ठीक है,
पेनलेस तरीके से इसने सारे के सारे व्हाइट हेड्स निकाल के बाहर किए हैं। अभी इसकी ये बात है कि इसने व्हाइट हेड्स सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से मेरी स्किन से रिमूव कर दिए हैं, लेकिन जो होते हैं ना जिद्दी वाले ब्लैक हेड्स वो इसने रिमूव नहीं किए हैं। हो सकता है कि आप अपने फेस पे स्टीम दें उसके बाद ये यूज करें तो ये आउट कर दे, निकाल दे, लेकिन अभी इसने व्हाइट हेड्स बहुत अच्छे से निकाले हैं, लेकिन ब्लैक हेड्स वाला इसने अभी कोई काम नहीं किया ऐसा। और लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये मैंने दराज से बाय किया, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता या नहीं पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जैनब उस्मान 0, तो वहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगी और साथ में इसका स्टोरी में लिंक दे दूंगी। और अगर स्टोरी जो सी रिमूव हो जाए तो हाइलाइट्स में दराज फाइंड्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको इसी तरह से नहीं रखना है, यूज करके साफ करके दोबारा से रखना है, ठीक है। होपफुली जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।